कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बिजली आपूर्ति के मामले में सजग है और समय रहते बिजली प्रदाय संबंधित सभी मामलों का निराकरण भी करेगी। देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार के युवा कैबिनेट मंत्री ने शुरू की नई पारी। मंत्री प्रियव्रत सिंह बोले, ग्रामीण क्षेत्रों पर बढ़ाएंगे फोकस। मंत्री सिंह है कमलनाथ सरकार के युवा सदस्य। पहली कैबिनेट बैठक के बाद बताया अनुभव। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक नए मंत्रिमंडल के साथ पूरी हुई। भोपाल की नई एनेक्सी में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश में बिजली आपूर्ति संबंधी मामलों पर मंथन हुआ। सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और खराब ट्रांसफार्मर तत्काल प्रभाव से बदले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली कैबिनेट बैठक बिजली संबंधी मामलों को लेकर हुई, जिसमें अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन रखा। और बेसिकली जो वचन पत्र है उसके बिंदु जो आपके पर क्या अमल हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि विभागवार इसकी जानकारी आए, उससे पहले सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का और सारे डिपार्टमेंटल हेड्स का एक औपचारिक इंट्रोडक्शन हुआ। और तत्पश्चात वचन पत्र में डिपार्टमेंट हुआ, डिपार्टमेंट में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली प्रदाय निर्बाध रखने संबंधी जरूरी निर्देश भी दिए गए। खासकर जो बिजली की कटौती अभी किसानों की हो रही है और किसानों से मनमानी तरीके से वसूली की जा रही है और किसानों को दबाया जा रहा है, गाँव की लाइट काटी जा रही है, इसके ऊपर ने अपना पक्ष रखा और मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा मामला। कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्रियों ने अब प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है और इसी कड़ी में सीएम कमलनाथ की टीम के युवा कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह ने भी अपनी पारी खेलना शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।